हेलो स्टूडेंट्स, आज हम प्लस वन क्लास में फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, तो हमारा चैप्टर होगा आज का सेल। आपकी बुक में अगर मैं बात करूँ तो थर्ड यूनिट का फर्स्ट चैप्टर होगा ये सेल नाम से। तो इसको शुरू करते हैं। हुआ क्या था, हमने नाइन्थ क्लास में भी ये चीज़ पढ़ी थी कि सेल जो है वो क्या है, एक फंडामेंटल यूनिट है लाइफ की। मतलब हमारी बॉडी की जो सबसे टिनी बोलते हैं जिसको, मतलब जो बिल्कुल माइक्रो पार्टिकल जैसी है, जिसकी वजह से सारी चीज़ें आगे बन रही हैं। जैसे आपने नाइन्थ क्लास में क्या पढ़ा होगा कि सेल है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके क्या बनता है, टिश्यू बनता है, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बनता है, ऑर्गन बनता है, ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके क्या बन रहा है, ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन रहा है, पूरी की पूरी बॉडी बन रही है। मतलब हमारी पूरी लाइफ है, ठीक है, मतलब एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है यहाँ पे आके। तो सेल क्या है, एक बेसिक यूनिट है। अब क्या होता है, जैसे ये बेसिक यूनिट है तो उस वजह से यहाँ पे ना अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग थ्योरीज दी थी, ठीक है जी। तो आप सब एक बड़ी ध्यान से इन सब साइंटिस्ट के नाम देख लीजिए। पहला साइंटिस्ट ये था, फिर आए थे एंटोन वैन एल ई वैन ठीक है, ल्यूवेनहॉक। और तीसरा हमारे पास है मैथियस श्लीडन, चौथा है थियोडोर श्वान, और फिफ्थ हमारे पास है रुडोल्फ विर्चो। सेल हमारे पास एक बेसिक यूनिट है, ये बात हमें पता है। अब क्या बात है यहाँ पे कि हर किसी साइंटिस्ट ने आके ना अपनी अपनी एक थ्योरी दे दी थी, ठीक है। हर किसी ने अपनी अपनी मतलब रागल आप दी थी कि भाई ऐसे ऐसे ये चीज़ें हैं, इसने अलग कुछ कह दिया, इसने अलग कुछ कह दिया, हर किसी ने अपनी अपनी एक थ्योरी दे दी, और लास्ट में एग्जैक्टली एक सेल की थ्योरी बन गई थी। रॉबर्ट हुक ने आके ये बोला था कि जो जैसे होता है ना कि अब हमारे घर में एक छोटी सी यूनिट क्या है, एक रूम होगा, दूसरा रूम, तीसरा रूम, मतलब पूरा एक एरिया बना, लेकिन जो एक सबसे एक छोटी यूनिट निकालेंगे वो क्या है, एक सेल है। जैसे मेरी बॉडी में क्या है, एक सेल एक छोटी यूनिट है, उसके बाद क्या बना, टिश्यू बना, ऑर्गन बना। मतलब अगर एक पूरे के पूरे उसकी बात करें, घर की बात करें, किसी एक स्कूल कॉलेज किसी भी एक चीज़ की बात करें, तो उसमें जो एक छोटी सी जगह, एक छोटा सा रूम जो है वो एक सेल है। तो इसने ये रॉबर्ट हुक ने बोला था कि जस्ट एक रूम है, जैसे पूरे घर में है या कहीं भी है, जैसे होता है मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब होता है, उसमें क्या होता है, बहुत सारी सेल्स होती हैं, ऐसे 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 बहुत सारी सेल्स होती हैं, ये हनीकॉम्ब है हमारे पास, ये ऐसे ऐसे बहुत सारा ऐसे ऐसे छोटे छोटे, तो ये पूरा का पूरा हनीकॉम्ब, लेकिन इसमें से ये जो एक यूनिट थी, एक जो चीज़ थी, ये क्या थी, सेल। काइंड ऑफ वो बात वहाँ से रिलेट कर सकते हैं आप कि ये एक छोटी सी चीज़ उसने सेल से रिलेट करती थी। जो एंटोन वैन ल्यूवेनहॉक था उसने क्या किया था यहाँ पे, उसने बोला कि जो एनिमल लाइक सेल होती हैं, मतलब जो एनिमल की छोटी छोटी सेल हैं, उसको बोल दिया, उसको नाम क्या दे दिया, दैट आर एनिमल क्यूल्स। बस इसने इतनी बात बोली। फिर आते हैं मैथियस श्लीडन, ये क्या बोलते हैं, ये हमारे पास कौन है, बॉटनिस्ट है। मतलब इन्होंने सारी स्टडी क्या की थी, बॉटनी से रिलेटेड करी थी। बॉटनी से रिलेटेड मतलब सभी प्लांट से रिलेटेड इन्होंने स्टडी करी थी। और इन्होंने क्या बोला था कि जितने भी पूरे ब्रह्मांड में, पूरी धरती पे जितने भी प्लांट्स हैं, वो सबके सब एक छोटी सी यूनिट सेल से बने हुए हैं। मतलब इसने क्या बोला था भाई साहब ने कि ऑल प्लांट्स मेड अप ऑफ सेल्स, इन्होंने ये बात बोली थी। फोर्थ आते हैं थियोडोर श्वान, ये कौन थे, जूलॉजिस्ट थे। जूलॉजिस्ट का मतलब क्या है कि इन्होंने एनिमल्स पे स्टडी करी थी, तो डेफिनेटली ये क्या बात बोलेंगे, किसी एनिमल से रिलेटेड बात बोलेंगे। तो सेम बात इन्होंने यहाँ कर दी थी कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट थे तो जूलॉजिस्ट, लेकिन इन्होंने क्या किया था, इस बात को मॉडिफाई किया था यहाँ पे। मतलब थे तो श्वान जी क्या थे, एक जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने श्लीडन की एक बात को मॉडिफाई किया था, एक बात को अपडेट किया था कि प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जैसे एनिमल्स हैं, एनिमल की जो आउटर लेयर होगी, मतलब ये जो एक एनिमल है, एनिमल की आउटर लेयर क्या होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है जी। लेकिन जो प्लांट्स होंगे, प्लांट्स की जो आउटर लेयर होती है उसको सेल वॉल बोलते हैं। ये बात थी प्लांट की, करनी किसको चाहिए थी, एक बॉटनिस्ट को, एक शिल्डन को, बट जूलॉजिस्ट ने, मतलब थियोडोर श्वान ने ये बात बोली थी कि प्लांट्स जो हैं वो उनकी आउटर लेयर सेल वॉल, आउटर लेयर को सेल वॉल बोलते हैं। मतलब प्लांट की जो सेल है
वो क्या है, आउटर लेयर उसकी सेल वॉल कहलाती है, और वो सेल वॉल किसी भी चीज से बनी हो सकती है, मतलब दैट इज मेड अप ऑफ हेमी सेल्यूलोज और दैट इज मेड अप ऑफ पेक्टिन और दैट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। ठीक है, मतलब यहाँ पे हमने ये बोला कि रॉबर्ट हुक जो है उन्होंने ये कहा था कि जो एक सेल है, मतलब एक सेल क्या है, किसी भी एक चीज की, किसी भी एक पूरी बॉडी की, किसी भी एक पूरी जगह की एक जो छोटी सी यूनिट होगी, मतलब काइंड ऑफ रूम, या फिर जो ये हनी कॉम्ब है इससे रिलेट करके एक जो छोटी सी यूनिट बीच में आ रही है उसको सेल बोल दिया था। एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक ने ये बोला था कि एनिमल की छोटी छोटी सेल को एनिमल क्यूल्स बोल देते हैं। मैथियास शिल्डन ने ये बात बोली थी कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, मतलब जितने भी प्लांट्स हैं वो सारे के सारे छोटे 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 सेल्स से बने हुए हैं। फिर आते हैं हमारे पास थियोडोर श्वान। थियोडोर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, लेकिन उन्होंने ये बायोलॉजिस्ट थे तो डेफिनेटली वो एनिमल्स के बारे में बात करेंगे। एनिमल्स के बारे में बात क्या है कि ऑल एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल, बट इन्होंने एक बात प्लांट से रिलेटेड कही थी, दैट क्या थी वो, मतलब दैट इज कि जो प्लांट की सेल है उसकी आउटर लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, एंड दैट सेल वॉल इज मेड अप ऑफ हेमीसेलुलर और हेमीसेलुलोस और पेक्टिन। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। फिफ्थ हमारे पास आता है रुडोल्फ फिरचो। रुडोल्फ फिरचो जो एक साइंटिस्ट थे, इन्होंने एक मंत्र दिया था। मंत्र क्या था, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला, है ना, ऐसा ही लग रहा है जैसे कोई मंत्र दे दिया भाई साहब ने। अब इस मंत्र का मतलब क्या है, बहुत ही सीधा सा मंत्र का मतलब है ओमनी सेल्यूला, मतलब ऑल सेल्स। ये कहना चाह रहा था कि जितने भी सेल्स हैं, ऑल न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, मतलब जो नए सेल बन रहे हैं वो पहले वाले सेल के टूटने से ही बनते हैं। मतलब जो पहले एक सेल था वो सेल आया, वो सेल जब टूटेगा उसी से नया बन जाएगा। बात तो ऑब्वियस ही है ना कि एक सेल जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट है वो जैसे ही वो टूटेगा तो उसकी वजह से नया बन जाएगा। तो सिंपल भी बात कर सकता था वो, बट नहीं, उसने क्या किया, एक मंत्र दिया ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला। इसका मतलब क्या है, ऑल न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। अब सभी साइंटिस्ट ने अपनी अपनी एक बात कह दी, लेकिन ये था ना कि हर बच्चे को ये भी बात याद रखनी है, ये भी रखनी है, ये भी, ये भी। अब अगर मैं कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो किसी भी साइंटिस्ट की बात कोई भी पूछी जा सकती है कि मतलब उस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, उस साइंटिस्ट ने क्या कहा था, वो एक जूलॉजिस्ट था लेकिन फिर भी उसने एक बॉटनी की डिस्कवरी की थी, आ सकती है। बट अगर मैं एनसीईआरटी पॉइंट ऑफ व्यू से, मतलब जस्ट एक स्कूल लेवल पे बात करूं, तो वहां पे क्या होता है, सीधी सेल थ्योरी आ सकती है आपको कि भाई सेल थ्योरी है क्या, एग्जैक्टली सेल है क्या, ये है, ये है, ये है, ये है, ये है, आप क्या लिखोगे, सारी बातें सही है क्योंकि किसी की कोई भी बात गलत तो है नहीं, फिर आप सेल के बारे में लिखोगे क्या। तो सेल थ्योरी में हम तीन बातें बताते हैं। पहली कि जो सेल है, सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, पहली बात आपने ये लिख दी। दूसरी बात आप क्या लिखोगे कि ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। क्योंकि ऐसा क्यों, पहली बात तो इसने ये बोला था कि, इसने ये बात बोली थी ना कि सेल इज फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, मतलब एक छोटी सी चीज को सेल बोलते हैं। दूसरी, तीसरी और चौथी बात काइंड ऑफ प्लांट और एनिमल से रिलेटेड है। उसने कहा था कि एनिमल की सेल है, इसने कहा प्लांट की छोटी छोटी सेल होती है, इसने फिर से कहा कि एनिमल की छोटी छोटी सेल्स होती हैं। तो मैंने एक ही बात में लिख दिया, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है और कोई दिक्कत भी नहीं है। तीसरी और लास्ट बात क्या आ जाती है कि ऑल सेल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तीसरी बात ये है। तो अगर एक साइंटिस्ट की अलग अलग थ्योरी के बारे में बात करनी है तो बात यह है कि रॉबर्ट हुक ने बात किसमें कर दी थी कि जो पूरी बॉडी है उसमें एक छोटी यूनिट कौन है, सेल है। एंटोन वेन ल्यूवेनहॉक ने बोला कि एनिमल्स की छोटी छोटी सेल को एनिमल क्यूल्स बोलते हैं। मैथियास शिल्डन एक बॉटनिस्ट थे, उन्होंने क्या बोला कि ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। थियोडोर श्वान एक जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बोला एनिमल्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, बट उन्होंने एक बॉटनी की भी डिस्कवरी करी कि जो सेल है प्लांट की उसकी आउटर लेयर को सेल वॉल बोलते हैं, एंड सेल वॉल इज मेड अप ऑफ आइदर हेमी सेल्यूलोस और पेक्टिन।
नेक्स्ट आते हैं रुडोल्फ विर्चौ, उन्होंने मंत्र दिया ओमनी सेलुला ई सेलुला, दैट मीन्स ऑल न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। तो अगर मैं सेल थ्योरी की बात करूं तो सेल इज फंडामेंटल ऑफ यूनिट ऑफ लाइफ, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ सेल्स, ऑल न्यू सेल्स आर प्रोड्यूस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है, कुछ भी नहीं, ये जस्ट आप ये लगा लो कि एक इस चैप्टर की हिस्ट्री है या इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन है जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रखनी पड़ेगी। एक बार इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद आपने छोटे होते हैं दो चीजें सुनी हैं, दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं। कौन कौन से दो टाइप के ऑर्गेनिज्म होते हैं? एक होता है हमारे पास यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और एक हमारे पास कौन होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना? इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म छोटे होते से पढ़ते आ रहे हैं। 6th-7th में शायद पढ़ा होगा कि अगर एक ऑर्गेनिज्म में एक सिंगल सेल है तो वो सिंगल सेल का क्या मतलब है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। मल्टी सेलुलर मतलब मोर देन वन सेल अगर एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। और हम लोग किसमें इंक्लूड होंगे? मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, क्योंकि हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। तो यूनिसेलुलर, अब देखो जैसे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, इसकी बॉडी में बहुत सारे सेल हैं, तो डेफिनेट सी बात है कि बहुत सारे सेल हैं तो सेल का क्या हुआ होगा, टिश्यू बना होगा, टिश्यू से ऑर्गन बना होगा, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बना होगा। मतलब अगर मैं बात करूँ हमारी बॉडी की, तो हमारी बॉडी में जो डाइजेशन है उसको करने के लिए कौन बैठा है? यहाँ पे हमारे पास पूरी एलिमेंट्री कैनाल है। एलिमेंट्री कैनाल में क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व हैं? आपने ह्यूमन फिजियो का फर्स्ट चैप्टर पढ़ लिया है ना, तो डाइजेशन के एलिमेंट्री कैनाल में फर्स्ट चीज़ों में क्या पढ़ा हमने कि स्टमक में या फिर स्मॉल इंटेस्टाइन में, यहाँ पे आके हमारे पास डाइजेशन कंप्लीट हो रहा है। मतलब एक पर्टिकुलर ऑर्गन है। अगर मैं सर्कुलेशन सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे कौन इन्वॉल्व है? हार्ट इन्वॉल्व है। अगर मैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करूँ तो वहाँ पे कौन है? वहाँ पे लंग्स इन्वॉल्व है। अगर मैं और किसी चीज़ की बात करूँ, अगर मैं रिप्रोडक्शन सिस्टम की बात कर लेती हूँ, रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात कर लूँ, तो यहाँ पे क्या है, फीमेल और मेल का अलग अलग पर्टिकुलर ऑर्गन है। फीमेल मेल है ना, यहाँ पे फीमेल में क्या होंगी, ओवरीज है जहाँ से ओवा प्रोड्यूस हो रहा है, और मेल से क्या है, यहाँ पे टेस्टिस है जहाँ से स्पर्म प्रोड्यूस हो रहा है। आप लोगों ने 10th class में पढ़ा होगा। तो मैं क्या बात करना चाह रही हूँ कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, मतलब एक ऑर्गेनिज्म जिसमें बहुत सारी सेल हैं और वो बहुत सारी सेल में से हर एक सेल का अपना एक पर्टिकुलर काम होता है। जैसे हर किसी का डाइजेशन का अलग काम है, सर्कुलेशन के लिए अलग ऑर्गन है उसका काम है, रेस्पिरेटरी के लिए अलग ऑर्गन है उसका काम है, रिप्रोडक्टिव के लिए अलग ऑर्गन है उसका अलग अलग काम है। बट अगर मैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करूँ तो भाई साहब वहाँ पे तो सेल ही एक है, एक ही सेल को ये सभी काम कर रहे हैं। मतलब अगर सेल को सर्वाइव करना है, कोई भी एक बैक्टीरिया है या कोई भी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसमें एक सिंगल सेल है, उस सिंगल सेल के लिए अब उस सिंगल सेल को क्या क्या नहीं करना, उसकी बॉडी में कोई भी चीज़ है अब्जॉर्ब करनी है। अब जब तक वो जिंदा है अब्जॉर्प्शन तो करेगा किसी चीज़ की, मतलब कुछ ना कुछ अंदर तो लेगा ही, न्यूट्रिशन तो लेगा ही। अब कहीं ना कहीं बात ये भी है कि सर्वाइव कर रहा है, कोई ना कोई तो गैस भी इनहेल कर रहा होगा, मतलब कोई भी चीज़ लगा लो कोई ना कोई काम तो वो भी कर रहा होगा। तो एक सिंगल सेल उसकी बॉडी में ऑल सारे के सारे काम करेगी, ऑल वर्क, सारे काम एक ही सेल करेगी। मतलब कि ऑल रिएक्शंस आर डन बाय ए सिंगल सेल, एक सिंगल सेल सारे के सारे काम करेगी। ये सारे के सारे काम कौन कर लेगा? एक सिंगल सेल कर लेगी, मतलब यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म मतलब एक सेल से ज्यादा सेल प्रेजेंट है, इसका मतलब क्या है कि हर एक सेल के लिए अपना अपना एक काम बटा हुआ है कि भाई वो काम उसको करना है, वो काम उसको करना है। जैसे होता है ना कि ये टीचर का काम बटा हुआ है कि ये टीचर बायो पढ़ा रहा है, ये टीचर केमिस्ट्री पढ़ा रहा है, अलग अलग काम है। छोटी क्लासेस में कैसे होता था, हमारे पास एक टीचर होता था और एक ही टीचर सभी काम करता होता था, है ना। तो उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी ज्यादा थी कि उसी टीचर ने सारी चीजें पढ़ानी है। अब वो चीजें बट गई हैं आगे, है ना, काइंड ऑफ उस चीज से वो रिलेट होता है, ठीक है जी। तो इसके बाद आता है, इसके बाद एक चीज है, टॉपिक आता है वायरस। वायरस के नाम ध्यान से सुनना, वायरस क्या है? वायरस
वायरस एक ऐसी चीज है जो कि अगर बॉडी के आउटसाइड पे प्रेजेंट है तब तक तो वो नॉन लिविंग है, जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर जाता है तब वो एक्टिव हो जाता है। आजकल तो वायरस का नाम भी बहुत सुनते हैं हम लोग। तो क्या है, जैसे ही वो किसी बॉडी के अंदर जाता है तो वो एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैं एक वायरस की बात करूँ, एक वायरस में ना एक तो होता है प्रोटीन और एक होता है कोई भी जेनेटिक मटेरियल। प्रोटीन के बारे में आपको पता है कि भाई एक चीज जो न्यूरिशमेंट प्रोवाइड करती है। जेनेटिक मटेरियल या तो डीएनए होता है और या फिर होता है आरएनए। अब आपको लगेगा कि जेनेटिक मटेरियल है क्या। जेनेटिक मटेरियल क्या होता है, एक ऐसा मटेरियल जिससे क्या होता है पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन हमारी बॉडी तक पहुंच जाती है। होता है ना, बहुत सारे कैरेक्टर्स हमारी बॉडी में पेरेंट्स से मिलते होते हैं, बहुत सारे एक्चुअली ऑलमोस्ट ऐसा होता है कि मतलब कहीं ना कहीं से तो आ ही रहे हैं, या तो मदर से आ रहे हैं या फादर से आ रहे हैं या ग्रैंड मदर ग्रैंड फादर कहीं से तो आ ही रहे होते हैं। दैट इज जेनेटिक मटेरियल की जीन्स रिलेट कर रहे हैं वहां से। तो एक वायरस में ये दो चीजें होती है। मैंने जेनेटिक मटेरियल को ह्यूमन से रिलेट करके बताया, मच्छर की बात नहीं कर रही, किसी वायरस की बात नहीं कर रही हूँ। वायरस में दो चीजें हैं, एक प्रोटीन और एक जेनेटिक मटेरियल। ये दिखता कैसा है, ये कुछ ऐसा सा दिखता है, ये ऐसा सा होगा, ये है हमारे पास ऐसे ऐसे और बीच में इसका ये जेनेटिक मटेरियल होगा। ठीक है जी, अब मैं बोल रही हूं कि ये जो है ये तो है जेनेटिक मटेरियल, आइदर इट इज डीएनए और इट इज आरएनए। ये जो इसकी आउटर लेयर है, ये वाली जो लेयर है, मतलब इसको मैं क्या बोल रही हूँ, प्रोटीन। अब एक बात है, सोचने की बात है, तुम लोग ध्यान से सुनो और थोड़ा सा सोच के देखो। अब एक लेयर बनी है तो अपने आप से तो नहीं बन गई होगी ना, छोटे छोटे सेल्स ने बनाई होगी कंप्लीट लेयर। मतलब एक लेयर थी, छोटे 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 सेल्स थे, वो छोटे छोटे सेल्स क्या हुए, जब आपस में मिल गए तो एक लेयर पूरी बन गई। मैं ये बात करना चाह रही हूँ कि ये वाली जो पूरी की पूरी लेयर है, ये जो पूरी कोटिंग तुमको दिख रही है, ये क्या है, ये प्रोटीन से बनी हुई है, ये प्रोटीन से बनी हुई है। इसलिए इसका दूसरा नाम क्या होता है, कैप्सिड। इसको हम कैप्सिड भी बोल देते हैं, कैप्सिड है लेकिन छोटे छोटे सेल से बनी होगी, तो छोटी छोटी यूनिट जो होती है उसको बोलते हैं कैप्सोमेयर्स। ठीक है, कैप्सोमेयर्स। मैंने बोला एक वायरस है जो बॉडी के अंदर जब जाता है तब एक्टिवेट होता है। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, एक वायरस में दो चीजें होती हैं, एक प्रोटीन है एक जेनेटिक मटेरियल है। जेनेटिक मटेरियल में डीएनए आरएनए कोई कुछ भी हो सकता है। प्रोटीन हो गया ये आउटर कोटिंग, प्रोटीन को दूसरी जो ये पूरी कोटिंग है, इस कोटिंग को हम क्या बोल सकते हैं, कैप्सिड। और पूरी कोटिंग में छोटे छोटे सेल से बनी होगी, वो जो छोटे छोटे सेल्स थे जो पूरी लेयर को कंप्लीट कर रहे थे, उस सेल का छोटे छोटे यूनिट्स का नाम क्या था, कैप्सोमेयर। मतलब ध्यान से सुनो, मतलब बहुत सारे कैप्सोमेयर्स मिलके एक कैप्सिड बना। ठीक है, ये कैप्सिड बना, ये हमारे पास क्या है, वायरस है। अगर ऐसा होता कि यहाँ पे सिर्फ ये है, मतलब ये है, दैट्स, अब ये क्या है मेरे पास, ये कैप्सिड है, मतलब क्या है, प्रोटीन कोटिंग है, और ये छोटे छोटे ऊपर क्या होंगे, ये क्या होंगे, कैप्सोमेयर्स। मतलब मैं क्या बोल रही हूं, मैं ये बोल रही हूं कि वायरस की ना दो फॉर्म्स होती हैं। अगर तो उसमें प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल दोनों प्रेजेंट हैं तब तो ठीक है, वो कंप्लीट वायरस है। मतलब मैं बोल रही हूँ कि अगर वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटीन कोटिंग है उसमें, भाई साहब उसमें कहीं ना कहीं जेनेटिक मटेरियल है ही नहीं। ये बात आपको प्लस टू के एक चैप्टर में समझ आ जाएगी। फिलहाल आप क्या समझो कि अगर एक वायरस है जिसमें जेनेटिक मटेरियल ही नहीं है तो उसका नाम वहां पे वायरस ही रहेगा। पी से याद रख लेना, उसको वहां पे क्या बोलेंगे, दैट इज प्रियोन्स। क्या बोलेंगे, प्रियोन्स, मतलब पी आर प्रोटीन से प्रियोन्स। ठीक है, वहां से थोड़ी निशानी बना लेना कि प्रियोन्स बोलेंगे उसको। लेकिन अगर एक वायरस जिसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल ही है, देयर इज नो प्रोटीन कोटिंग, कोई प्रोटीन उसमें प्रेजेंट नहीं है, वो काम ही सिर्फ किस वजह से कर रहा है कि उसमें क्या है, डीएनए या फिर आरएनए प्रेजेंट है, मतलब ओनली जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट। अगर उसमें सिर्फ और सिर्फ जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट है
और उसमें प्रोटीन कोटिंग नहीं है, कोई प्रोटीन कोटिंग नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, दैट इज नोन एज वायरॉइड। वायरस है, वायरस में अगर एक प्रोटीन कोटिंग और जेनेटिक मटेरियल दोनों चीजें प्रेजेंट होंगी उसका नाम वायरस है। वायरस की दो फॉर्म्स है यहाँ पे, अगर तो उसमें सिर्फ प्रोटीन हुआ जेनेटिक मटेरियल नहीं हुआ तो उसको प्रियोन्स बोल देंगे, अगर प्रोटीन कोटिंग नहीं है सिर्फ जेनेटिक मटेरियल है तो उसको वायरॉइड बोल देंगे। अब क्या होता है, ये तो चलो फॉर्म्स हो गई उसकी, अब जैसे कि मैं एक बात करती हूँ, अभी फिलहाल हुआ क्या, एक सेल है जो पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुकी है, पूरी तरह से इन्फेक्ट हो चुकी है, वायरस ने पूरी तरह से उसको इन्फेक्ट किया, ये भाई साहब एक सेल है, इस पे ना वायरस ने अटैक कर दिया, बहुत बुरी तरह अटैक कर दिया, ये पूरी तरह से इन्फेक्ट हो गई, मतलब मैं इसको ये बोल देती हूँ कि वायरस इन्फेक्टेड सेल है, ये वायरस इन्फेक्टेड सेल। जब ये सेल जो है हमारी बॉडी की पूरी तरह से इन्फेक्टेड हो जाएगी तब क्या करेगा, ये क्या करेगा, सिग्नल भेजेगा। अच्छा मैं इसको एक कहानी से रिलेट करूं, कहानी से रिलेट मैं क्या कर रही हूं कि जैसे अगर एक एरोप्लेन है वो क्रैश हो गया मतलब वहां पे क्या है, टेररिस्ट घुस गया तो क्या करेगा, मतलब किसी एक को पता चलेगा तो इसका मतलब क्या है, वहां पे वो सबको एक मैसेज भेज देगा, सबको मैसेज भेजने को क्या मैसेज भेजेगा कि भाई यहाँ पे एक टेररिस्ट घुस गया है, और टेररिस्ट घुस गया तो सभी बाकी के सारे बच जाओ, ऐसा कुछ करेगा ना। कि जैसे अब अभी क्या हो रखा है कि भाई एक वायरस आया हुआ है दुनिया में, अभी जिसको जिसको बचना है वो सभी बच लो, ऐसा कुछ सिग्नल भेज दिया। तो वैसे ही ये एक वायरस इन्फेक्टेड सेल है, वो क्या करेगा, वो ये बोल देगा कि मैं तो इन्फेक्ट हो ही गया हूँ, वो एक केमिकल मैसेंजर भेज देगा बाकी सभी बॉडी को, मतलब जितनी सेल्स और प्रेजेंट हैं यहाँ पे, जितनी भी सेल्स यहाँ पे प्रेजेंट हैं, ताकि वो बच जाएं। ये इसकी कोशिश, ये बहुत ही अच्छे वाला बंदा है, बहुत ही अच्छी वाली सेल है कि भाई बहुत भरी थी है ना बेचारी और इन्फेक्टेड हो गई, लेकिन वो चाहती है कि दूसरे सेल्स बच जाएं, तो वो एक सिग्नल प्रोड्यूस करेगी। सिग्नल प्रोड्यूस करने के लिए यहाँ पे कौन आएगा, एक इंटरफेरोन आएगा, इंटरफेरोन एक सिग्नल प्रोड्यूस कर देगा। मतलब जब एक वायरस पूरी तरह से इन्फेक्ट हो जाता है, मतलब इन्फेक्ट कर देता है एक सेल को, तो वो इंटरफेरोन के पास सिग्नल भेज देगा कि ताकि दूसरे लोग बच जाएं। जैसे ये सिग्नल भेजेगा, ये सिग्नल क्या भेजेगा कि भाई जो बाकी की सेल है ना, वो अपनी सेल वॉल को, अपनी आउटर बॉडी को पूरी तरह से ब्लॉक कर दें, पूरी तरह से बंद कर लें कि वहां पे कोई और एंटर ना हो पाए, कोई और एंटर नहीं हो पाएगा तो आप लोग क्या है, बच जाओगे। ऐसा ही हो रहा है ना, अभी क्या कह रहे हैं हम कि अगर आप लोग चाहते हो कि आप लोग बच जाओ तो आप लोग अपने घर के गेट बंद कर दो, अपने घर में किसी को नहीं आने देना, ना तो आप लोगों ने बाहर जाना है ना ही हम लोगों ने किसी ने को अंदर आने देना है, यही चीज चल रही है। ये हमें किसी ने मैसेज भेज दिया ऐसा कि भाई ऐसा ऐसा हो गया है, तो ये मैसेज है हम सब बच जाएं, इसलिए हम ऐसा कुछ कर लेंगे कि अपने गेट्स बंद कर देंगे कि ना तो कोई अंदर आए जो हमें इन्फेक्ट करे, और ना ही हम बाहर जाएं कि बाहर जाए कि हम किसी के कांटेक्ट में आए जिससे कि हम इन्फेक्टेड हो जाएं, ऐसा कुछ है। तो वायरस इन्फेक्टेड सेल भी क्या करती है, केमिकल मैसेंजर की तरह काम करती है, इंटरफेरोन को एक्टिवेट कर देगी, वो इंटरफेरोन क्या करेगा, बाकी सभी सेल्स को सिग्नल ये भेजेगा कि मैं इन्फेक्ट हो चुका हूँ पूरी तरह से, तो आप लोग क्या करो, आप लोग क्या करो यहाँ पे, ये चीज कर दो कि मतलब अपनी पूरी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो भी आउटर बॉडी है उसको पूरी तरह से ब्लॉक कर दो, ब्लॉक कर दो इन द सेंस कि ना तो कोई बाहर आ सके ना कोई अंदर जा सके, मतलब ये वायरस जो है तुम सबकी बॉडी में एंटर ना हो सके, ठीक है जी। तो यहाँ पे ये इसका वायरस का काम है, वायरस में दो चीजें पढ़ी है हमने, यही पढ़ा है सिर्फ अभी तक कि वायरस था प्रियोन, वायरॉइड, और वायरस जब काम करता है, जब वायरस किसी सेल में एंटर हो जाता है, जब किसी की बॉडी को खराब करने लगता है तो इंटरफेरोन को एक्टिवेट कर देता है ताकि बॉडी की बाकी की सेल्स बच जाएं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे एक जस्ट इंट्रोडक्शन थी चैप्टर की, इसके बाद हम कल क्या करेंगे, आगे का चैप्टर कंटिन्यू करेंगे, उसमें क्या करेंगे, जैसे ना आप लोग क्या करोगे कल थोड़ा सा इस चैप्टर को पढ़ के बैठना, हमने कल क्या पढ़ना है, प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक के बारे में पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में, ये भी आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा। मैं इसकी जस्ट एक इतनी सी बात बता रही हूँ कि कैरियोटिक, कैरियोटिक मतलब क्या है, यहाँ पे कैर मतलब, कैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस है, ठीक है। प्रो का मतलब क्या है,
बिफोर, और यू का मतलब क्या है? ट्रू। तो एक तो होता है प्रोकैरियोटिक बैक्टीरिया, एक होता है यूकैरियोटिक बैक्टीरिया, या फिर एक होता है प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, एक होता है यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। मतलब एक ऑर्गेनिज्म ऐसा जिसमें न्यूक्लियस की पहले की कहानी है, बिफोर न्यूक्लियस से पहले की कहानी है। एक यूकैरियोटिक मतलब जिसकी बॉडी में न्यूक्लियस पूरी तरह से डेवलप हो चुका है, न्यूक्लियस जो है वो ट्रूली है, मतलब ट्रू न्यूक्लियस, एक डेवलप न्यूक्लियस प्रेजेंट है। ठीक है, तो ये प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक आप लोग कल पढ़ के बैठना अच्छे से। अभी फिलहाल आपने जस्ट एक इंट्रोडक्शन सेल की थ्योरी और वायरस के बारे में जस्ट थोड़ी सी बातें पढ़नी है। आई होप आपको जो भी मैंने बताया है, बहुत थोड़ा सा पढ़ाया, आई थिंक सिर्फ एक से डेढ़ पेज कवर होगा अगर आप एनसीईआरटी खोल के देखेंगे तो ध्यान से उसको पढ़ना। और इसके अलावा हम ये आपको समझ आ गया होगा। चलो मिलते हैं कल नेक्स्ट लेक्चर के साथ, नेक्स्ट वीडियो पे।